नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अखिलेश बोले, जिसे प्रधानमंत्री बनना हो यूपी आ जाए। रीवा के सिरमौर में कहा, सपा INDIA का हिस्सा, लेकिन हमारी लड़ाई का रास्ता अलग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। अखिलेश ने यह बात बुधवार को रीवा के सिरमौर में कही। वे यहां समाजवादी पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सपा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, पीएम दूसरा होगा। जिसे सपा के लोग कहेंगे वो पीएम होगा। पीएम मोदी के टॉयलेट को लेकर बयान पर जवाब, अखिलेश बोले, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने टॉयलेट नहीं बनाए, इसीलिए मुझे बनवाना पड़े। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने टॉयलेट नहीं बनाए, पानी नहीं दिया, क्या बीजेपी ने टॉयलेट में पानी दे दिया? जहां भी भाजपा सरकार है वहां टॉयलेट कागज में बन गए, जमीन पर नहीं बन पाए। बीजेपी के बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं, कहां से आया इतना पैसा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।